लोगों ने कहा जी आप होटल में ना करें, आप घर में करें। को कॉल करती दूसरे को, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मेरा ये जी खाना तो आ गया, डॉक्टर स्पेशल, और ये सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन आहिर अख्तर हाजिर है। यशी मारो दूसरे साथ, बस लड़ो नहीं खाने पीने के मामले में, डाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ, चलो अब तुम भी खाओ। ये किसी हैं आप कॉमेडम? आज काफ़ी दिन के बाद हम आम रूटीन पे आ रहे हैं कॉमेडम, मुझे डालने तो दो। छोटे छोटे चूजे, छोटे छोटे चूजे, सिद्दके तो जनाब जिंदगी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ गई। निकाह हो गया, पहले ईद फिर निकाह, बस अचानक ही निकाह भी फाइनल हुआ और भागते भागते निकाह करवाया। तो और अब ऐसा ऐसा जिंदगी नॉर्मल होती जा रही है। एलोवेरा को मैं देख रही थी सारी सूख के लिए, ये धूप में रखी है इस वजह से। देखिए इसके पत्ते पीली पीली होती जा रही है एलोवेरा, ये वाली शायद यहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ती है इस वजह से। इसको पानी भी लेना है क्योंकि वहाँ पर बाजी वगैरह ने अपना स्टोर बनाया है, बाहर जो स्टोर था उसमें उन्होंने ये सामान, मेरे भांजे का है वो ये काम करता है, तो बाजी स्टोर बनाया है। तो जिसकी वजह से जो पौधे मैंने यहाँ रखे थे वो सारे उठा के उन्होंने वहाँ रखे, तो देखते हैं। इधर नहीं बैठ सकता। किधर नहीं बैठ सकता? तो आप पढ़ते होते उठने साथ। अल्लाह हम तो उधर जी आहियाना बात बाहर बात रहा भाई रे जो सब शाबाश शाबाश मेरा शिज़ादा शाबाश शाबाश गुड गुड बॉय गुड बॉय अब्दुल समद। अब तो समद का मुंह धुलाऊंगी और फिर उसको नाश्ता करवाती हूँ मुंह धुला के, ठीक है अब्दुल समद? ठीक है। सुबह सुबह मुंह धोते होते हैं ना? पूरे बेड पे अब्दुल समद घूमता है, ये वहां सोया होता है वहां से यहाँ वहां से यहाँ, रात पूरी पूरी बेड पे। मैं एक बेड के कोने में और अब्दुल समद पूरे बेड के चक्कर लगाता है। ये जनाब अम्मी कर रही हैं किसी की मालिश। किसकी मालिश हो रही है? आप नाश्ता करो फिर एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक है? पहले वर्जिश करा छोड़ा फिर नाश्ता कर, वर्जिश कर इस्तेमाल कर दी, पोटा कम कर दी, नहीं तो चाय ठंडी होती है नाश्ता कर से एक्सरसाइज। चले हम इसको एक्सरसाइज करवाते फिर आपसे बात। सब बखैर क्या अब्दुल समद ही आपको सलाम करेगा? अब्दुल समद बोलो अस्सलाम वालेकुम। बोलो मुझे बुखार है ना, सलाम करो ना पहले। सलाम बुखार यहाँ कान में होता है, बुखार कान में होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है, ठीक हो? मुझे बुखार है ना। अच्छा इसको बुखार बुखार है, इसको बहुत तेज बुखार है, इसके लिए दुआ कीजिएगा ये जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? A few hours later. तो जा रहे हैं साथ में सोसाइटी में, फ्रेंचाइज में, फ्रेंचाइज तो नहीं शॉप पे, वहाँ पर मेरी भांजी साथ है, मेरी बेटी साथ है और जाएंगे कुछ काम करेंगे और साथ में ख्वाह मखा तैयार हुई। मैंने कहा वॉक कर आती हूँ, घूम फिर आती हूँ, अंदर बैठ के तंग आ गई थी। अब देखो ऐसे अब्बास बेटा,
ये जगह है हमेशा हम आके ना यहाँ पर तस्वीरें लेते, पता नहीं किसका घर है, किसी ने घर वाले पकड़ के हमें कुटेंगे, अच्छी तरह कुटेंगे। और इनके फूल माशाल्लाह देखो, फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। पूरी सीढ़ियों पर जाती हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। मैडम देखें, आज मेरी भांजी मजा कर रही है। एक स्कूप आइसक्रीम, ये इसमें क्या खास बात है कि महंगा है बाकी से? ये जो आखिरी वाला स्पेशल आइसक्रीम जी जी, इसमें चार फ्लेवर मिक्स होते हैं, ड्राई फ्रूट की टॉपिंग होती है। ओके, एक ये करते हैं और एक कुल्फा शेक करना है और एक चिकन लॉलीपॉप फ्राइज जी नहीं एक, नो, नो, एक, एक बाकी ये एक कुल्फा शेक है और एक आखिरी की बात है। ठीक है, स्पेशल जी देखें इसमें आपका क्या स्पेशल है। ये जी खाना सा आ गया डॉक्टर स्पेशल दो आइसक्रीम शेक और ये अंदर तक फूल फूल फूल, इनके लोडेड फ्राइज सही है, शेक ज्यादा मजे का है लोडेड फ्राइज से। हां लोडेड फ्राइज सो सो, हां नॉट एक्सेप्ट ऑर्डर नंबर दिए जाए लोडेड फ्राइज को 6 नंबर, वो शेक को 9 नंबर। बस ही वो ले लेना, उनमें सब पैक छोटा वाला जो बहुत महंगा होता ना, सीरियसली महंगी होती है वहाँ वाली, तो बहुत कम मिलती है। काफी हो गई हम सबको, अम्मी बाजी आदि हारे काफी हो गई, काफी। A few minutes later, हम जो समझ खुश मेरा बेटा, मम्मा सदके पिकल कितनी जलती गई है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना अंकल, मेरी बेटी को लाइक का सही कर देना। तो जरा मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई रो धो के सारा कुछ, और जब देखा मेरी वीडियो सारी ब्लर थी, अभी दोबारा बना रही हूँ। तो कल देखा आपने, मैंने मलीहा का डाला था, वो मैंने आज डाला था, और कल मैंने अनका के बारे में बात करनी थी, लेकिन चूँकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे मलीहा को लेके कि मलीहा कौन है और आपने उसके बारे में बताएं, तब मैंने पहले सोचा पहले मलीहा के बारे में बताया जाए, फिर आज मैंने नका की बात आज कर लेती हूँ। जी जरा, तो जैसे आपने देखा आखिर ईद के फौरन बाद जैसे बच्ची का नका तैयार हो गया और बस जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, और कैसे मैंने मैनेज किया सब मैंने आपके साथ शेयर किया, और बहुत जल्दी में हुआ था। और पहले मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी आप होटल में ना करें, आप घर में करें। देखिए उस दिन एक तो बारिश हो गई, शुक्र है कि मैंने घर में नहीं किया। दूसरा मैंने एक दो जगह बात की खाने की और इन चीज़ों की, जब मैंने देखा प्लस माइनस किया, मैंने देखा अखराजात उतने ही पड़ रहे हैं मुझे, खाने के अलग पड़ते, टेंट सर्विस के कुर्सियों वगैरह के अलग पड़ते, और जो डेकोरेशन वगैरह के वो मुझे अलग पड़ जाते, उतना ही खर्चा हो, थोड़ा बहुत मुझे बचत हो जाती, लेकिन उसमें जो मुझे टेंशन होती, और फिर मैं एक को कॉल करती, दूसरे को मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो, मेरा ये काम कर दो, चूँकि ना मुझे टेंट सर्विस इन चीज़ों को, चूँकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, मैं किसको कहती, एक की मिन्नतें करती, दूसरे की मिन्नतें करती, अगर मेरे हस्बैंड होते या मेरे भाई होते तो ये वो करते, मेरा काम नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जो मेहमान बुलाए हुए हैं, मैंने अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो फिर मैं क्यों उनको बुलाऊँ। तो
तो जब मैंने उनको बुलाया, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उनका इकराम करूं, उनकी रिस्पेक्ट करूं, उनको अच्छी तरह उठाऊं बिठाऊं, अच्छी तरह उठाऊं बिठाऊं, उनकी इज़्ज़त करूं। अगर मैं ये नहीं कर सकती तो फ़ायदा तो नहीं था मेरा कि मैं उनको बुलाती। तो मैंने इसलिए कोशिश किया अच्छी तरह मैनेज करने के लिए, फिर मैंने एंड टाइम पर होटल बुक करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरा फ़ैसला सही था। आपने मुझे बताना है कि मैंने सही फ़ैसला किया या नहीं किया। मुझे तो अपना फैसला किया, अगर जैसे बारिश हो गई थी मैं नहीं मेहमान संभाल पाती और मैं एकदम मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम पज़ल हो जाती हूँ। तो लेकिन अल्लाह के करम से और सब कुछ मैनेज हुआ और मैंने कोशिश अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि अपनी बच्ची का इवेंट अच्छी तरह कर सकूं। जो ढोलकी का फंक्शन था वो मेरी तरफ से नहीं था, बच्चों के पप्पों की तरफ से था, छोटा मोटा फंक्शन उन्होंने किया था। और बाकी जो था निकाह का फंक्शन वो सारा मैंने खुद अरेंज किया था, सब कुछ मैंने खुद किया था। तो अल्लाह के फजल व करम से, बस अल्लाह की मदद से ये सब कुछ हुआ है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, बस मुझे जिस तरह सही लगा मैं करते गए, अल्लाह मेरी मदद करता रहा। और कुछ लोग तो इतने प्यारे हैं जिनको मैंने दावत नहीं दी थी, वो भी आए हुए थे। देखें कौन किसकी शादी में बग़ैर दावत के जाता है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे बच्चों की मोहब्बत एक अपनायत पे आए हुए थे और वो मुझे इतना अच्छा लगा जो शान अल्फाज में बयान नहीं कर पाती। और बाकी भी जिसको मैंने एक दफ़ा का वो आया हुआ था, उससे वो ये मानी नहीं रखता था मैंने कितना बुक करवाया, कितने लोग आए, लेकिन मुझे उस वक्त ये था कि लोग कितनी मेरे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कितनी अपनायत, क्योंकि वो आए, मैंने बुलाया, उन्होंने कहा नहीं यतीम बच्ची है हम जाएंगे, नहीं इतने बुलाया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो आए अपनाए, दूर बारिश के बावजूद लोग इतने दूर दूर से आए थे कि उन्होंने ये नहीं देखा बारिश है क्या है, लेकिन वो मैनेज करके आए थे। मेरी बहन नहीं आ सकी मुजफ़्फ़राबाद से, क्योंकि मुजफ़्फ़राबाद के रास्ते बंद हो गए थे ना, वो आते हैं। और भी काफ़ी लोगों ने आना था, लेकिन जो आए थे वो भी इतने मुश्किलात से आए थे बारिश होने के बावजूद, और वो उनकी अपनाइत, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ जिन्होंने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया। और आप लोगों ने भी इतना साथ दिया, सबने कमेंट्स किए, मेरी बच्ची के लिए दुआएँ की दी, माशाल्लाह बोला मेरी बच्ची के लिए, मुझे इतने वो कमेंट्स पढ़ के अच्छे लगे हैं मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे कुछ ही व्यूज़ हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, और उन्होंने मुझे दुआएँ दी, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान करूँ। तो बस इसी तरह मेरे बच्चों को दुआएं देते रहे, मेरे बच्चों के साथ बने रहे, मेरे साथ बने रहे। हाँ, बहुत आगे जाना है, अभी सफ़र शुरू है, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बहुत आगे बढ़ना है और ख़ूब मेहनत करनी है, बच्चों की खातिर करना है और दिल और जान से करना है। और बस अल्लाह ने सब कुछ किया, मैंने सोचा भी नहीं था, जो सच्ची बात को मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा फंक्शन हो जाएगा, इतनी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बस मैं हमेशा, मेरी अम्मी कहती हैं जब अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है 100 रास्ते खोलता है। तो मेरे साथ अल्लाह ने ऐसे किया है, मेरे साथ जब मुझे लगता है कोई नहीं मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, अल्लाह ताला गायबाना मेरी इतनी मदद करते हैं कि मैं शायद इस लाइक भी नहीं हूँ जितना अल्लाह ताला ने मेरे साथ किया है। और आप जैसे लोगों के साथ मुझे मिलाया है जो मेरे ना होने के बावजूद मुझे अपने दुआओं में याद रखते हैं, मुझे अपनायत का एहसास दिलाते हैं, और बस ये एहसास मेरे साथ बनाए रखे हैं, बहुत आगे लेके जाना आप लोगों ने मुझे। मेरी अपनी, आप लोग जैसे मेरी अपनी फैमिली है, ऐसे ही आप सब लोगों के मेरे लिए। तो अपनी इस बहन को आगे लेके जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं, इस बहन का साथ देना है आपने। और जिन लोगों ने अभी तक, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं पहली बार, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।